हेलो एवरीवन, वेलकम टू कार्ड एकेडमी। पेटीएम और एसबीआई ने अपने को ब्रांडेड कार्ड्स का रुपे वेरिएंट लॉन्च करने का अनाउंसमेंट किया है। आज हम इन कार्ड्स के फीचर्स और बेनिफिट्स को डिस्कस करेंगे और फिर बताएंगे अपना ओपिनियन, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इन कार्ड्स की ज्वाइनिंग एंड रिन्यूअल फी से। तो पेटीएम एसबीआई कार्ड की ज्वाइनिंग और रिन्यूअल फी है 499 रुपये प्लस टैक्सेस, और पेटीएम एसबीआई सिलेक्ट कार्ड की ज्वाइनिंग और रिन्यूअल फी है 1499 रुपये प्लस टैक्सेस। अब अगर हम रिन्यूअल फी वेवर की बात करें तो पेटीएम एसबीआई कार्ड पर एज सच कोई रिन्यूअल फी वेवर का क्राइटेरिया नहीं है, पर पेटीएम एसबीआई सिलेक्ट कार्ड में अगर आपके पिछले साल का खर्चा 2 लाख या उससे ऊपर का है तो आपकी एनुअल रिन्यूअल फी 100% वेव ऑफ हो जाती है। अब अगर हम इन कार्ड्स के वेलकम बेनिफिट्स की बात करें तो दोनों पेटीएम एसबीआई कार्ड और पेटीएम एसबीआई सिलेक्ट कार्ड पर आपको पेटीएम फर्स्ट की मेंबरशिप मिलती है। ये मेंबरशिप आपको पहली ट्रांजैक्शन करने पे मिल जाती है और इस मेंबरशिप से आपको सोनी लिव और Z5 की मेंबरशिप मिलती है और कुछ डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स। इसके अलावा पेटीएम सिलेक्ट कार्ड पर 750 रुपए का कैशबैक मिलता है पहली ट्रांजैक्शन करने के बाद। अब अगर रिन्यूअल बेनिफिट की बात करें तो आपको सेम पेटीएम फर्स्ट की मेंबरशिप मिलती है अगर आप 1 साल में 1 लाख रुपए का खर्चा करते हैं तो। अब अगर हम नॉन स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स की बात करें तो पेटीएम एसबीआई कार्ड पर एज सच कोई नॉन स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स नहीं है। पेटीएम एसबीआई सिलेक्ट कार्ड के केस में आपको लाउंज एक्सेस मिलता है, तो आपको 1 क्वार्टर में 1 डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज विजिट मिलती है। अब अगर हम स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स की बात करें तो पेटीएम एसबीआई कार्ड की बात करें तो आपको पेटीएम पर ट्रैवल, मूवीज और पेटीएम मॉल पर 3% कैशबैक मिलता है और 2% कैशबैक बाकी पेटीएम के स्पेंड्स पर मिलता है, और कुछ एक्सक्लूजन को छोड़कर बाकी जितने भी स्पेंड्स हैं उन पर 1% कैशबैक मिलता है विदाउट एनी अपर कैप। जी हाँ, UPI पेमेंट्स पर भी 1% कैशबैक मिलेगा। अभी SBI कार्ड्स पे UPI पेमेंट्स इनेबल नहीं हुई हैं। जैसे ही होंगी आप इनसे पेमेंट्स भी कर पाएंगे और 1% कैशबैक भी अवेल कर पाएंगे। अब जहाँ तक पेटीएम सिलेक्ट कार्ड की बात करें तो पेटीएम पर ट्रैवल, मूवीज और पेटीएम मॉल पर स्पेंड करने पे आपको 5% कैशबैक मिलता है और 2% कैशबैक बाकी पेटीएम के स्पेंड्स पर। बाकी सभी स्पेंड्स और UPI स्पेंड्स पर आपको 1% कैशबैक मिलेगा। जहाँ तक एक्सक्लूजन की बात है तो दोनों ही कार्ड्स पर फ्यूल, वॉलेट, EMI और कैश विड्रॉल पर आपको कोई कैशबैक नहीं मिलता है। जहाँ तक स्पेंड बेस्ड माइलस्टोन की बात करें तो अगर आप 1 साल में 4 लाख रुपए का खर्चा करते हैं तो आपको 2000 रुपए का वाउचर मिलता है, और अगर आप 6 लाख रुपए का खर्चा करते हैं तो आपको 4000 रुपए के और वाउचर्स मिलते हैं। ये थे इन सभी कार्ड्स के फीचर्स और बेनिफिट्स। अब अगर हम इन कार्ड्स पर हमारे ओपिनियन की बात करें तो पेटीएम पर ट्रैवल, मूवीज और पेटीएम मॉल के स्पेंड्स पर अच्छा रिटर्न मिलता है पेटीएम सिलेक्ट कार्ड पर, लेकिन ट्रैवल और मूवीज रिकरिंग परचेजेस नहीं है। पेटीएम से अगर आप बिल पे करेंगे तो आपको 2% कैशबैक मिलेगा, जो कि आपको बेटर और काफी कार्ड्स जैसे कि एक्सिस एस, एक्सिस फ्री चार्ज प्लस, एक्सिस एयरटेल एक्सेट्रा पर मिल जाएगा। जो इन कार्ड्स का स्टैंड आउट फीचर है वो ये है कि आपको 1% कैशबैक UPI पेमेंट्स पर भी मिलेगा विदाउट एनी अपर कैप। UPI पर स्पेंस के लिए कोई बहुत अच्छे कार्ड्स नहीं है। HDFC टाटा न्यू इन्फिनिटी कार्ड पर आपको 1.5% रिटर्न मिलता है न्यू कॉइन्स पर, लेकिन उस पे भी 500 न्यू कॉइन्स पर मंथ का अपर कैप है, और साथ ही में आप न्यू कॉइन्स सिर्फ टाटा के परचेजेस में ही यूज कर सकते हैं। यहाँ आपको चाहे 1% कैशबैक ही मिले पर इस पर कोई अपर कैप नहीं है और आप इसे कहीं भी यूज कर सकते हो। हमारे ओपिनियन में बेस वेरिएंट मतलब कि पेटीएम एसबीआई कार्ड बेटर कार्ड है, बिकॉज सिलेक्ट कार्ड में सिर्फ 2 चीजों का फर्क है। एक तो उस कार्ड पर आपको लाउंज एक्सेस मिलता है और साथ ही में आपको पेटीएम मॉल और पेटीएम पर ट्रैवल और मूवी बुकिंग्स पर बेस वेरिएंट के कंपैरिजन में 2% एक्स्ट्रा कैशबैक मिलता है, लेकिन हमारे ओपिनियन में ये दोनों चीजों से एक्स्ट्रा 1000 रुपए की फीस जस्टिफाइड नहीं होती। आपको पेटीएम एसबीआई कार्ड ही कंसिडर करना चाहिए। सिर्फ उस केस में पेटीएम एसबीआई सिलेक्ट कार्ड सही रहेगा अगर आप 1 साल में 2 लाख रुपए का खर्चा करके रिन्यूअल फी वेव ऑफ करवा सकते हैं, अदरवाइज नॉर्मल पेटीएम एसबीआई कार्ड। होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही क्रेडिट कार्ड रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें कार्ड एकेडमी।